जहानाबाद में गरीब और मेधावी छात्रों को जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके लिए शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की कवायद हो रही है। इसी कड़ी में शहर में रहकर पढ़ाई करने के लिए ऐसे छात्रों के लिए बनाए गए सरदार पटेल छात्रावास का अमनौर विधायक कृष्ण कुमार पिंटू ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी प्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। छात्रावास का उद्घाटन करते हुए विधायक ने बताया कि तकरीबन 35 लाख की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। यहाँ पढ़ने लिखने की सभी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि गरीब और मेधावी बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें और अपना भविष्य उज्ज्वल करते हुए ऊंचे पदों पर बैठकर अन्य गरीबों के कल्याण की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि ये छात्रावास लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए प्रेरित होगा और उन्हें सहूलियत मुहैया कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है शिक्षा संकल्प अभियान सह छात्रावास निर्माण अभियान, उसके तहत जहानाबाद जिला में पटेल छात्रावास का निर्माण किया गया है कि हमारे मेधावी छात्र जो कमजोर हैं, वो आर्थिक कमजोर हैं, उनको पढ़ने लिखने के लिए शहर में एक व्यवस्था मिले और पढ़ लिख कर देश और दुनिया में बिहार का, राज्य का, देश का नाम रोशन कर सके। लागत इसका तो 35 लाख के आसपास लगा है। यहाँ रहने का व्यवस्था बच्चे को मिलेगा, पढ़ने का मिलेगा, इसमें बाकी जो है नीचे हॉल इसमें लाइब्रेरी बनाया जाएगा, अच्छी किताबें कंपटीशन की रहेगी, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हर घर से मुखिया वार्ड नहीं बन सकते हैं, लेकिन हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, एसडीओ बन सकते हैं। यह क्षमता है और इसी क्षमता को समाज में विकसित करना इस पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है और सबके सामूहिक सहयोग से इसको पूरा किया जाने का कोशिश किया जाता है।